हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो बालों के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा कि सीजन चेंज होता है और बाल बहुत ही ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस आता है कि बाल झड़ते हैं, और कई बार क्या होता है कि बाल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे रूखे हो जाते हैं, बाल शाइन नहीं रहती। तो आज स्पेशल मैं बालों के लिए बहुत ही इजी रेमेडी लेके आई हूँ कि आप सिर्फ शैम्पू के अंदर ये चीज मिला लोगे तो आपके बाल जो है वो सिल्की भी हो जाएंगे और आपके बाल झड़ेंगे नहीं और बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी रेमेडी मिस ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम बालों के लिए पैक। तो सबसे पहले हमने लिया है शैम्पू। मैं डव का शैम्पू यूज करती हूँ अपने बालों में, इसलिए मैंने डव का शैम्पू लिया है। अगर आप कोई और शैम्पू यूज करते हैं तो आप वो शैम्पू ले सकते हैं। इसे मैं एक बाउल के अंदर डाल लूंगी। अब मैंने लिया है एलोवेरा जेल, ये मैंने पतंजलि का लिया है। आप चाहें तो आप फ्रेश जेल भी ले सकते हैं, जैसे घर के अंदर एलोवेरा लगा होता है तो आप उसे तोड़ के उसका पल्प भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक चम्मच लेना है, ये मैंने एक चम्मच ले लिया है जेल का। तो अब जो इंग्रेडिएंट है वो है पिसी हुई चीनी, ये मैंने इसी चम्मच के साथ मेजर किया है। इसे हाफ स्पून है ये पिसी हुई चीनी। तो आप सोचेंगे भाई पिसी हुई चीनी का क्या काम है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे एलोवेरा हमारे बालों में शाइन करता है तो पिसी चीनी जो है ये बाल उगने में हमारी मदद करते हैं। वो किस तरह से, हमारे बालों में अक्सर क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो रूट्स के अंदर जमा हो जाता है, तो एक तरह की ब्लॉकेज हो जाती है हमारे बालों के अंदर। वो ब्लॉकेज जो है वो बालों को उगने नहीं देती। तो ये क्या है, जो पिसी हुई चीनी है ये हमारे बालों में से, जड़ों में से तेल को रिमूव करेगी और ब्लॉकेज जो है हमारी खत्म हो जाएगी। ब्लॉकेज खत्म होगी तो बाल हमारे उगने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे बाल हमारे नए उगेंगे तो बाल हमारे घने भी होने शुरू हो जाएंगे और एलोवेरा जेल से हमारे बाल शाइनी भी हो जाएंगे, क्योंकि बाल तो अक्सर सबके टूटते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बाल हमारे टूट रहे हैं जब सीजन चेंज होता है, लेकिन उसकी जगह नए बाल उग नहीं रहे, तो ये समस्या होती है। तो लोग कहते हैं कि बाल झड़ गए हैं, बाल पतले हो गए हैं, तो बाल पतले होने की वजह ये होती है कि बाल जो झड़ रहे हैं उसके बदले जो नए बाल उगने वो नहीं उग रहे। तो उसका सारा काम जो है ये चीनी करती है, चीनी जो है ये रिमूव करती है तेल को और ब्लॉकेज खत्म करके आपके बालों को उगने में मदद करती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, बहुत इफेक्टिव लगेगी। इसे हमने लगाना कैसे है अब मैं ये बताना चाहूंगी। इसे मैंने कर लिया है मिक्स, तीनों चीजों को मिक्स कर ली। आम क्या होता है, जब हम शैम्पू लगाते हैं झाग बनी उसके बाद हमने हेड को वॉश कर दिया, तो इसमें हमने क्या करना है, बालों के अंदर शैम्पू को 3 से 4 मिनट तक आपने इस तरह से मलते रहना शैम्पू को बालों के अंदर, जब तक ये पूरा जड़ों में पूरी तरह से अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो आपने मलने के बाद, पूरी तरह से शैम्पू को लगाने के बाद 5 मिनट के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप 5 मिनट जब छोड़ दोगे तो ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद आपने अपने बालों को सिंपल पानी से वॉश कर लेना है, तो आप देखेंगे कि आपके बाल कितनी जल्दी उगते हैं। आप वीक के अंदर 2 बार इस प्रोसेस को करें और फिर मुझे बताएं जरूर आपके बाल कितने सिल्की होने शुरू हो गए हैं और आपके जो बाल नए जो नहीं उग रहे वो नए बाल आपके उगने शुरू हो गए। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। उम्मीद है आपको इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।